और जो मैं आपके सामने अब अगला नाम लेकर आ रही हूँ वो है रश्मि सभा जी, ग्वालियर से आई हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं। और देखें शायरी में आपको क्या क्या नसीहतें मिलती हैं इनकी तरफ से, और आप बिल्कुल आप इनकी शायरी को सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ख्वातीन कैसे कैसे मौजू लेके आ रही हैं आजकल शायरी में। तो आप सुनिए जी रश्मि जी। आदाब दोस्तों, शबनम साहिबा की सदारत में ये हमारी खुशनसीबी है कि हम सब पढ़ पा रहे हैं। आप सभी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उनसे इजाज़त लेती हूँ और आप सबसे भी इजाज़त लेती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए। ये इधर वाली टीम मेरे को पता नहीं क्यों कमज़ोर लग रही है। चलिए मैं हाजिर करती हूँ जी, मैं हाजिर करती हूँ। अच्छा नहीं उधर भी नहीं, बहुत नहीं, यंग जनरेशन बाहर है। आपको बुड्ढे कह रहे हैं। अरे उन्हें कम नहीं। सुनो जरा तालियां, हाथ बात खोलो भाई। इजाजत जी जी, इरशाद इरशाद। किसी के नाम को लिखते हुए मिटाते हुए, वाह। किसी के नाम को लिखते हुए मिटाते हुए, तमाम रात कटी खुद को आजमाते हुए, वाह 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 वाह। किसी के नाम को लिखते हुए मिटाते हुए, तमाम रात कटी खुद को आजमाते हुए, कहा ये रात ने मुझसे मुझे सुलाते हुए, कहा ये रात ने मुझसे मुझे सुलाते हुए, तू थक गई है बहुत हाले दिल सुनाते हुए। हाँ 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 हाँ, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तू थक गई है बहुत हाले दिल सुनाते हुए। चनशेर और पंडे की इजाजत चाहती हूँ कि किस आलम की किस मंजर की होती है, किस आलम की किस मंजर की होती है, यादें जो अपने अंदर की होती है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। किस आलम की किस मंजर की होती है, यादें जो अपने अंदर की होती हैं, और भूले से भी पाल न लेना वहम कोई। आहा, क्या प्यारा। भूले से भी पाल न लेना वहम कोई, कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं। क्या बात है, क्या सच्चा शेर है, वाह 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 वाह। भूले से भी पाल न लेना वहम कोई, क्या बात। कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं। और खास तौर पे ये बताती हूँ, हम सब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं शेर हाजिर करती हूँ कि नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, दहलीजें जो कच्चे घर की होती हैं, नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, दहलीजें जो कच्चे घर की होती हैं। और मैं क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि रेनू जी ने कहा, मैं शेर हाजिर करती हूँ कि ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है, नींदें सारी कारीगर की होती हैं। ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है, नींदें सारी कारीगर की होती हैं। चनशेर और पढ़ती हूँ, इजाज़त आप लोगों की जी बिल्कुल। नदी जो इस कदर इतरा रही है, नदी जो इस कदर इतरा रही है, न जाने किससे मिलकर आ रही है। नदी जो इस कदर इतरा रही है, न जाने किससे मिलकर आ रही है, फलक से कहनी थी कुछ दिल की बातें, फलक से कहनी थी कुछ दिल की बातें, जमी लेकिन अभी शर्मा रही है। फलक से कहनी थी कुछ दिल की बातें, जमी लेकिन अभी शर्मा रही है, नदी जो इस कदर इतरा रही है। चनशेर और पढ़ती हूँ, बिल्कुल ताज़ा पढ़ रही हूँ कि मुसाफिर का तो रास्ता मुंतज़िर है, मुसाफिर का तो रास्ता मुंतज़िर है, मगर ये चांद किसका मुंतज़िर है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। मुसाफिर का तो रास्ता मुंतजिर है, मगर ये चांद किसका मुंतजिर है, और हमारा जिक्र मत करना तुम उससे, हमारा जिक्र मत करना तुम उससे, अगर पूछे तो कहना मुंतजिर है। हमारा जिक्र मत करना तुम उससे, अगर पूछे तो कहना
मुंतजर है और पता चल जाता है आंखों से उसकी, पता चल जाता है आंखों से उसकी अगर कोई किसी का मुंतजर है। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। पता चल जाता है आंखों से उसकी अगर कोई किसी का मुंतजर है। सबा घर लौट सकती हो अभी भी, सबा घर लौट सकती हो अभी भी, अभी भी एक बहाना मुंतजर है। सबा घर लौट सकती हो अभी भी, अभी भी एक बहाना मुंतजर है। अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर और पढ़ूं? नहीं, मैं रंजीत भाई की तरफ देख रही हूँ भाई, उनका इशारा ज़रूरी है। जी जी, मैं हाजिर करती हूँ। चंद का मतलब क्या होता है मैम? कितनी लंबी मतलब? वक्त से पहले सितारों को पुकारा जाए, एकदम ताज़ा शेर पढ़ रही हूँ। अच्छा। वक्त से पहले सितारों को पुकारा जाए, शाम के सांवले चेहरे को संवारा जाए। और दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, धूप निकले तो जरा इनको निखारा जाए। हाय हाय। दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, धूप निकले तो जरा इनको निखारा जाए। मैं दो तीन शेर पढ़ के इजाजत चाहती हूँ। कि दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए, दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए, रास्ता चाहिए सबको ही निकलने के लिए, और ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, और एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए। हाय हाय हाय। ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, और एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए। और बतौर ख़ास ये शेर पढ़ती हूँ कि मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना। ये शायरात का मुशायरा है, उस पर मैं हाजिर करती हूँ। कि मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए। अरे वाह। मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए, और रात के साथ जला करती हूँ लम्हा लम्हा, रात के साथ जला करती हूँ लम्हा लम्हा, चांद का नूर सबा चेहरे पे मलने के लिए, चांद का नूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रश्मि जी।